दुर्गा पूजा को लेकर के किशनगंज पुलिस ने व्यापक तैयारियां करी हैं। कुल 146 जगहों पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं को, सभी आयोजनकर्ताओं को जो है इस बारे में बताया जा रहा है कि इस बार भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग सावधानी पूर्वक जाएं मंदिरों में, पंडालों में। दर्शन करने के समय बिल्कुल एहतियात बरतें, 6 फीट की दूरी बराबर रखें, पंडाल छोटे न हों, हवादार हों और सभी जगह बिना मास्क के एंट्री न कराएं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम लोग करवा रहे हैं, आयोजनकर्ताओं के साथ भी लगातार मीटिंग हो रही है और इस मामले में सभी से सहयोग का भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप लोग आएं और जुलूस में भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिन्होंने टीका ले लिया हो मास्क लगा करके ही निकले और लिमिटेड संख्या में निकले। बहुत ज्यादा मतलब निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना का खतरा भी टला नहीं। मेला को लेकर के भी कुछ आदेश जारी किए? मेला इस तरह का कोई भी रंगारंग कार्यक्रम की मनाही है, तो इसमें एकदम स्पष्ट निर्देश है, अगर इस तरह का होता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। सर, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सर मतलब लाइव प्रसारण करना अनिवार्य है? हाँ जी, सभी पंडालों में जो भी सक्षम है सभी पंडालों में अपना जो है बाहर में वो लाइव प्रसारण करें, ई व्यवस्था से जो है दर्शन करवाएं और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी अनुरोध किया जाता है कि वो भी इस माध्यम से देखें कि अगर ई प्रसारण से दर्शन कर सकें तो अच्छा रहेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। सर, डीजे को लेकर क्या निर्देश दिया जाए? डीजे बिल्कुल बंद रहेगा, चाहे वो पंडाल में हो चाहे वो जुलूस में हो, डीजे का प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहेगा।